नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। और यहां पर आज मैं आपकी जो खास मुलाकात है वो कराने वाली हूं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े, या सच कहूं तो हमारी जिंदगी के क्षेत्र से जुड़े हुए दो दिग्गजों की। जी हाँ, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मंगलेश डबराल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष तरण जी भी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। अच्छा मंगलेश जी, मतलब आपकी रचनाओं को पढ़ते पढ़ते बहुत अरसा और बहुत सारी जनरेशन्स ने एक लेखक बनने का, एक कवि बनने का ख्वाब भी देखा है। ऐसे में आज इतनी सारी रचनाओं के बाद और इतने सारे सम्मान और पुरस्कारों के बाद आप अपने जीवन को किस तरह पाते हैं? इसके लिए धन्यवाद आपको ये सब कहने के लिए, लेकिन मैं तो ये पाता हूँ कि इतने सब के बावजूद मुझे लगता है कि मैं अपनी राह नहीं पा सका हूँ और कहीं भटक रहा हूँ कहीं जी। तो वो जो गालिब का शेर है ना कि चलता हूँ हर एक राह रो, हमें कुछ दूर तक जानता नहीं हूँ अभी रहे गुजर को मैं, तो ये मुझे लगता है कि मैं कोई रास्ता नहीं जानता हूँ अभी, मैं हर एक से पूछता हूँ कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, तो एक ये समस्या हमेशा बनी रहती है जी। और ऐसा 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 कुछ भी नहीं कि मैं कहीं पहुंच गया हूं या मुझे कुछ हासिल हो गया, मैं रास्ते में ही हूं और मुझे कोई मंजिल नहीं मिली है। क्या बात है। वैसे भी कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, और इसी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं सुभाष जी भी। आप सुभाष जी जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो गा रहे हैं ज़िंदगी के तराने, उनमें पहाड़ों की झलक है। और जैसे कि मंगलेश सर का जब भी जिक्र आता है तो हमें पहाड़ की ठंडी ठंडी हवा ज़रूर महसूस होती है, और ऐसी कुछ छींटे आपकी रचनाओं के भी पढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो आप किस राह पर चल रहे हैं फ़िलहाल? वो एक शेर है कि मंजिलों की बात छोड़ किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा मिले एक हम सफ़र अच्छा मिले। तो ये जो लेखन है ये हमारे लिए सफ़र है, यही हमारा हम सफ़र है। मुझे लगता है कि ये जिस परिवेश से मैं आया हूँ उस परिवेश को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, और मेरा कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र से मैं हूँ, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ के बारे में लोग नहीं जानते हैं जी। बाकी दुनिया को वहाँ के बारे में कोई आया उसने देखा, फिर वो अंधे का हाथी है कि ये तो सूप की तरह है और ये तो उसकी तरह खंभे की तरह है, तो उस हिसाब से तो मेरा अपना ये है कि मैं अपने उस परिवेश को, अपनी उस संस्कृति जिसको बोलेंगे, अपने उस समाज को लोगों के सामने जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करूं, उसमें कोई फेरबदल ना करूं। तो इसी में ये चीज़ें भी आई कि मुझे उसको उस पर कैसे चोट करनी है, उसके लिए कविता से अच्छा कोई माध्यम नहीं था, या मुझे कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ कैसे बनानी। बिल्कुल। और मंगलेश जी, आप जब कविताएँ लिखते हैं तो आपकी कविताओं में ना एक प्यारी सी मासूमियत दिखती है जो कि निश्चल है, और उस मासूमियत को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता जो हैं आपको उस मासूम कविता को बोलते हुए भी सुने, तो एक कविता आपकी तरफ से। मैं समझता हूँ अगर ऐसा लगता है आपको तो इसकी वजह ये तो मैं आश्वस्त हो सकता हूँ मेरे भीतर पहाड़ जीवित है जी, और एक कवि का मूल निवास कभी नहीं बदलता है। और तो मैं आपको एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जो पहाड़ की जो मेरी स्मृति है जी उससे संबंधित है, और स्मृति ही जो है वो रचना को जन्म देती है। बिना स्मृति के कोई रचना संभव नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि बिना स्मृति के कल्पना करना संभव नहीं होता है जी। तो कल्पना में स्मृति का बड़ा योगदान रहता है, और स्मृति कोई जो है नॉस्टैल्जिया भी नहीं है, अतीत मोह भी नहीं है, क्योंकि स्मृति हमारा वर्तमान ही है जी। और स्मृति हमारे भीतर उसी तरह रहती है हमेशा मौजूद, जैसे एक पेड़ के भीतर उसकी उम्र वृत्तों की शक्ल में दर्ज होती जाती है जी। तो एक कविता है स्मृति। खिड़की की सलाखों से बाहर आती हुई लालटेन की रोशनी, पीले फूलों जैसी हवा में हारमोनियम से उठते हुए प्राचीन स्वर, छोटे छोटे बारीक बादलों की तरह चमकते हुए, शाम एक गुमसुम बच्ची की तरह छज्जे पर आकर बैठ गई है, जंगल से घास लकड़ी लेकर आती हुई औरतें आंगन से गुजरती हैं और अपने नंगे पैरों की छाप छोड़ देती हैं इस बीच बहुत सा समय बीत गया, कई बारिशें हुई और सूख गई, बार बार बर्फ गिरी और पिघल गई, पत्थर अपनी जगह से खिसक कर
कहीं और चले गए। वे पेड़ जो आंगन में फल देते थे और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लोग भी कूच कर गए अपनी नई शरणगाहों की ओर, अपने घरों के किवाड़ बंद करते हुए। एक मिटे हुए दृश्य के भीतर से तब भी आती रहती है पीले फूलों जैसी लालटेन की रोशनी, एक हारमोनियम के बादलों जैसे उठते हुए स्वर, और आंगन में जंगल से घास लकड़ी लाती हुई स्त्रियों के पैरों की थाप। क्या बात है। और जो मासूमियत और जो मैं एक निश्चलता की बात कर रही थी वो इस कविता में साफ नज़र आती है। और पहाड़ों की बात ही कुछ और है, चाहे फ्योली के फूल हो या फिर वरांश की बात हो या काफल तोड़ना हो, वो हमेशा से एक मासूम बचपन लेकर आता है। और वो जो मासूमियत होती है वो हमेशा इन साहित्य में, इन कलाओं में, इन कविताओं में, मंगलेश जी आपकी रचनाओं में दिखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये साझा करने के लिए। और अभी हमारे साथ सुभाष जी हैं, तो आपको मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा पहाड़ आप भी हमारे श्रोताओं के कानों तक पहुँचाएं। पहाड़, क्योंकि मुझे लगता है मेरी में जो एक रचना है, मैंने अपने अपने वो जैसे मंगलेश दा ने कहा कि स्मृतियों का एक खजाना होता है, तो उसी पे एक मेरी कविता है, पिताजी का मानना है जी। पिताजी का मानना है कि खेती बाड़ी में तभी बरकत है जब बेटे और बैल में फर्क ना किया जाए। इसीलिए हम सुबह से जूते पड़े होते हैं, हालांकि बैल हल खींचते हैं और मैं हल लगाता हूँ। यहाँ सबको काम रहता है। पिताजी बीजारोपण के बाद खेत के किनारों पुश्तों की मरम्मत में जुट जाते हैं। उधर जंगल के छोर की ओर खेत की मेड़ पर खड़ा झबरू कुत्ता जंगली उजाड़ों की टोह लेने में मुस्तैद है। इधर भूरी बिल्ली ने घेर रखी है घर और खेत की सरहद पर बनी चूहों की बाम्बियाँ, जबकि खूंटे पर खड़ी गाय अपने बेनाम नवजात के साथ घास चरने में मशगूल है। इस दौरान माँ खानसा में ग्वाले और धोबी की भूमिका में होती है। दिन के पहले पहर की समाप्ति के आसपास पिताजी की तरफ से रोज की तरह एक नया फरमान जारी होता है। मसलन, कल जो गेहूं साफ किए गए थे उन्हें चक्की पर छोड़ चक्की वाले से यह सुनिश्चित किया जाए कि गेहूं कितनी जल्दी पीसे जा सकते हैं। यह काम दिन के दूसरे पहर तक समाप्त करने की मूक सलाह के साथ पिताजी हल्की मूड संभाल लेते हैं। तीसरा पहर आराम तलबी के लिए निर्धारित है और चौथा पहर फलदायी पेड़ों की खातिरदारी को समर्पित होता है। पहाड़ में आगे आने वाला महीना अकाल का माना जाता है, लिहाजा मन भर गेहूं पिसवा दिए गए हैं। राशन की दुकान से चावल, चीनी और तेल खरीदकर घर पहुंचा दिया गया है। खेत की जुताई संपन्न हो चुकी है। भले ही फसल आसमान के भरोसे हो, लेकिन संतोष चरम पर है, क्योंकि जो स्वयं के करने का था किया जा चुका है। वैसे भी आसमान और सरकार तो खेतीहरों के बस के बाहर ही रहते हैं। रोजमर्रा के काम मुश्किल नहीं होते, ये जीवन की जरूरत है। यह एक प्रवासी कामागार की नियति है कि उसे छुट्टी के बाद वापस काम पर जाना होता है। लेकिन इस ध्येय के साथ कि आधुनिक दुनिया भले ही मंगल पर जाने की सोचे, लेकिन मैं जब जैसे संभव हो सकेगा लौट कर यहीं वापस आऊँगा, क्योंकि गांव की इसी मिट्टी में सपनों को रोपा जा सकता है और सब्र के साथ संतुष्टि की फसल काटी जा सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है। और गांव की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ उसका गुण है, वो अपनी आपकी रचना में दिखता है। और इसी के साथ वक्त हो चला है श्रोताओं को कहने का कि ये जो साथ है ये पल भर का है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप दोनों हमें इसी तरह वक्त देते रहेंगे और गाहे बगाहे यूं ही हमसे बात करते रहेंगे। और एक छोटी सी उम्मीद मेरी भी है कि आपकी रचनाओं में पहाड़ है, पहाड़ का वो संघर्षपूर्ण जीवन भी है, लेकिन आपकी रचनाओं को सुनते सुनते जिस तरह मैं प्रेरित हुई हूँ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं चाहूँगी कि जो गांव की घसियारी है और जो जंगल में घास काटने और लकड़ी लेने जाती है वो भी कुछ लिखें। तो उन औरतों के नाम, उन महिलाओं के नाम जो घसियारी है स्पेशली, उनको कोई संदेश मंगलेश सर, सुभाष सर आप देना चाहेंगे? घसियारियों को मेरा सलाम जी। और यहाँ तो घसियारी आंदोलन भी चलता है। बिल्कुल। और वो एक बड़ा सुंदर आंदोलन है, सुंदर अभियान है, और स्त्रियों से जुड़े हुए जितने भी अभियान यहाँ चले हैं, चाहे वो मैथी आंदोलन हो या चाहे घसियारी हो, मेरे ख्याल से वो बड़े अद्भुत आंदोलन हैं, बड़े अनोखे हैं, और उनका उनकी पूरी थीम बहुत अनोखी है। और अगर महिलाएँ नहीं होती, महिलाएँ तो केंद्र में हैं इसके, वो हल चलाने के अलावा और
कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा कि सुभाष तारान की इस कविता में भी हल चलाते हैं, लेकिन ये हल चलाते हैं लेकिन बाकी सारे काम महिलाएं करती हैं। तो जितने भी यानी हल चलाने का अर्थ ये प्रोडक्शन का जो साधन है, उत्पादन का जो औजार है वो पुरुष के हाथ में है सिर्फ, लेकिन सारा उत्पादन स्त्री करती है, तो सिर्फ औजार उसके हाथ में है जी। तो एक वो उस औजार को नहीं छोड़ता है। स्त्रियों का हल चलाना भी गलत माना जाता था हमारे यहाँ पहले, अब तो खैर मुझे लगता है कि ये सारी बंदिशें टूट रही हैं बुरी तरह से, और ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। तो इन सब महिलाओं को मेरा सलाम, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि एक महिला ने मुझे भी जन्म दिया था जी। मैं ये नहीं भूलता हूँ कभी भी नहीं। और तो मैं उनका इस जीवन को चलाने के लिए, पहाड़ के जीवन को चलाने के लिए उनका जो है फिर आभार। बिल्कुल प्रियंका, मैं बताऊँ, मेरी माँ आज भी घास काटती है जी गांव में जी। मेरी माँ आज भी घास काटती है, उनके पास गाय है और उनको इतना लगाव है उनके, वो जो गाय है बस उनको पता है मैं अच्छी नौकरी करता हूँ, मेरे पास वो रह सकती है, लेकिन वो उस परिवेश को नहीं छोड़ सकती। उनका वो जो सुबह घास लाने का है वो उनका अपना एक है, और मुझे लगता है कि जब हम पूरा पर्यावरण देखते हैं पहाड़ का, जब हम इकोलॉजी देखते हैं पूरी पहाड़ की, तो घसियारी उसका एक मुख्य पार्ट है। अगर घसियारियां नहीं होगी तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हम बातें करते रहे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ मंगलेश डबराल जी और सुभाष तारान जी। इसी के साथ मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत, कहीं मत जाइएगा, फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ पर।